Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram, the link is given below. तो MPCJ की डेट आ चुकी है, एग्ज़ाम भी आ चुकी है. 20 मार्च को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है. अब टाइम है सिर्फ रिवीजन करने का और अपने आप को टेस्ट करने का. तो चलिए, हमने 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था ना, अब हम करेंगे 2016 का. जितना हम रिवर्स में जाएंगे उतने हमारे बेसिक्स और हमारे कंसेप्ट जो है क्लियर होते जाएंगे. तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस पेपर्स जो है वो सॉल्व करवाएं, क्योंकि जब आप इतने सारे पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से जो है आंसर्स देने हैं, किस तरीके से जो है सोचना है, आपको मतलब बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा. ठीक है, तो चलते हैं आज का MPCJ 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने. तो फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्वेश्चन हैं. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन विच केसेस एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन शैल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी रेक्टिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट टू दैट इफेक्ट वेयर सच एन अमेंडमेंट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ. ऑप्शन ए आर्टिकल 54, 55, 73, 162 और आर्टिकल 241. ऑप्शन बी एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल. ऑप्शन सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट. ऑप्शन डी प्रोविजन रिलेटिंग टू पार्ट 12 चैप्टर 1. ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ए बी एंड सी. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली हमारे PDF में आया नहीं है, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ द CPC प्रोविजंस रिगार्डिंग अ सूट बाय इंडिजेंट पर्सन हैज़ बीन गिवन. किस ऑर्डर में जो कि CPC का है उसमें बताया है कि एक इंडिजेंट पर्सन जो है कैसे एक सूट फाइल कर सकता है. ठीक है, तो इसका जो है वो है ऑर्डर 33 में. ठीक है, ऑर्डर 33 इंडिजेंट पर्सन. देखिए CPC में जो है आपको बिल्कुल करेक्टली याद करना है कि कौन सा ऑर्डर क्या बात करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. अंडर ऑर्डर 43 ऑफ द CPC अगेंस्ट विच ऑर्डर एन अपील शैल नॉट लाई. किस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील लाई नहीं होगी. व्हेन द सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज एक्सरसाइज इट्स ज्यूरिसडिक्शन इलीगली और मटेरियल इरेगुलरिटी. ठीक है, कहाँ पे जो है सेक्शन 43 के अगेंस्ट ऑर्डर और अपील नहीं होगी. तो ये है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. विच प्रोविजन ऑर्डर ऑफ CPC कोर्ट डील्स विथ समन्स एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस. समन्स और विटनेस की बात किस में है. ऑर्डर 16 ऑफ CPC. ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑर्डर 16 सभी को पता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. विच प्रोविजन ऑर्डर ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विद प्रोडक्शन इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट. कौन सा जो CPC का ऑर्डर है जो कि इन सब से रिलेट करता है. तो वो है ऑर्डर 13 ऑफ द CPC. नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर करें ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबा नहीं बने और आपको हम कम से कम टाइम में जो है बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकें. चलिए क्वेश्चन नंबर 11. अंडर CPC अ लिटिगेंट Having a grievance of civil nature has a right to institute a civil suit if cognizance is not expressly barred. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, not expressly barred. नेक्स्ट देखते हैं. अंडर CPC डिफेंडेंट कैन आस्क फॉर टेम्प्ररी इंजेक्शन अगेंस्ट द प्लेंटिफ. इफ कब बोल सकता है टेम्प्ररी इंजेक्शन की, जब जो प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट में है. इफ़ प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन अ सूट इज़ इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड डैमेज्ड और अलाइंड बाय द प्लेंटिफ. अगर उसको लगता है कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है वो प्लेंटिफ किसी भी तरीके से, मतलब वो जो प्रॉपर्टी है वो डेंजर में है या फिर उसको जो है प्लेंटिफ ख़राब कर सकता है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. अंडर CPC 1908 ऑन द डेथ ऑफ आइदर पार्टीज टू द सूट्स बिटवीन द कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग एंड प्रनाउंसिंग ऑफ द जजमेंट द सूट. इसका आंसर है शैल नॉट एबेटेड.
मतलब वो कैंसल नहीं होगा या फिर रुकेगा नहीं, उपमर्शन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अंडर सीपीसी हु इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन सिविल कोर्ट, कौन सा पर्सन जो है सिविल अपीयरेंस के लिए एग्जेम्प्टेड नहीं है, नॉट, ठीक है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको आंसर क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है चेयरमैन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर ऑर्डर 32 रूल 1 ऑफ सीपीसी अ माइनर मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट अटेंड हिज मेजोरिटी विद इन द मीनिंग ऑफ, कौन से एक्ट के अंदर नहीं उसने मेजोरिटी अटेंड करी है, वो किस में आता है, तो वो इंडियन मेजोरिटी एक्ट में है। नॉर्मली कहीं भी देखेंगे तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट की ही बात करी जाती है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो या कोई सा भी एक्ट हो, इंडियन मेजोरिटी एक्ट का ही 18 ईयर्स वाला बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के, चलिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द टर्म क्लॉग ऑन रिडम्पशन, कौन सा जो है इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट है, तो जो स्टेटमेंट थर्ड वाला है, इट कैन बी फेटर्ड बाय एनी कंडीशन, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर, होल्डिंग ओवर से क्या इफेक्ट होएगा, तो वो होगा द लीज इज रिन्यूड, लीज जो है नई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कन्वे टाइटल, कौन सा जो है टाइटल कन्वे नहीं करेगा, रजिस्टर्ड विल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 51 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 द ट्रांसफरी इज इंटाइटल्ड टू वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है। देखिए अगर आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या कोई सा भी सब्जेक्ट जो है उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं, कोई टॉपिक आपका छूट गया है पढ़ना, आपको पढ़ना था बट रह गया है, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने कवर तो कर लिया है सब कुछ बट रिविज़न बाकी है, तो आप रिविज़न की लेक्चर सीरीज़ भी हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रिजर्व द रूल ऑफ मोहम्मेडियन लॉ एंड इट्स एक्सक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच मैंडेट्स दैट द गिफ्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी इफेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट एज स्टेटेड देयर इन, कौन से सेक्शन में बोला गया है, सेक्शन 129। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन। फर्स्ट है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें से कौन सा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो नोवेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो ऐसे होते कि मतलब किसी की कुछ अपन को चीज़ मिल गई है और अपन उसका इंजॉयमेंट ले रहे हैं, तो वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते, तो नोवेशन का जो है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एंड डिलीवर 500 बेल्स ऑफ कॉटन टू बी ऑन अ फिक्स डे, ए नोज नथिंग ऑफ बीज मोड ऑफ कंडक्टिंग हिज बिजनेस, ए ब्रेक हिज प्रोमिस एंड बी हैविंग नो कॉटन इज ऑब्लाइज टू क्लोज हिज मिल, इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस कॉज्ड टू बी बाय द क्लोजिंग ऑफ मिल, तो इसका आंसर है नो। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ए एंड बी वाले, मतलब एग्जांपल वाले जो क्वेश्चन है, ये नॉर्मली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हर बार आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक्स हायर्स अ कैरिज ऑफ वाई द कैरिज इज अनसेफ दो वाई इज नॉट अवेयर ऑफ इट एंड एक्स इज इंजर्ड फॉर द इंजुरी ऑफ एक्स वाई इज लाइबल, क्योंकि उसे पता था और उसने बताया भी नहीं तो वो लाइबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ए इंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल हिम 100 बेल्स ऑफ कॉटन एंड आफ्टरवर्ड डिस्कवर्स दैट बी वाज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर सी, तो किस किस को जो है वो ए सू कर सकता है, तो देखिए बोथ अगेंस्ट बी और सी। ये जो क्वेश्चन है ये 2018 के भी पेपर में था और ये 2016 में भी, तब आप समझ जाइए कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं जो भी एग्जांपल वाले क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
goods displayed in a shop with a price label will amount to an invitation to offer. ये भी question 2018 के paper में था. तो देखिए बहुत मतलब contract में वही चीज़ें बार बार पूछी जा रही है. तो contract ऐसा subject है जिसमें आप आराम से limited topics पढ़ के भी score आराम से कर सकते हैं. चलिए देखते हैं next question. अब है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. एन इंजक्शन ग्रांटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट अंडर सेक्शन 37 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इज़, क्या होगा? वो टेम्प्ररी इंजक्शन होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट व्हेन इंजक्शन कैन बी ग्रांटेड, कब? टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड. ठीक है, अगर अपन को पता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है टूटने वाला है तो अपन उस पर इंजक्शन ग्रांट करवा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. एज पर सेक्शन 40 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ डिफरेंट राइट और डिफरेंट ऑब्लिगेशन, द कोर्ट में इन अ प्रॉपर केस कैंसल इट इन पार्ट एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर इट्स रेसिड्यू. ठीक है, तो अगर लगता है कि कोई जो है वो अलग अलग है, मतलब कोई पार्ट लीगल है कोई पार्ट इलीगल है, तो जितना इलीगल है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और बाकी को कंटिन्यू करा जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द ग्रांट ऑफ डिग्री ऑफ स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस ऑफ द कोर्ट इज डिस्क्रिशनरी. ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है. डिस्क्रिशनरी मतलब वो अपने मन से सोचते हैं कि उन्हें क्या करना है. अब देखिए हमने अभी तक यहाँ के क्वेश्चन कवर कर लें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के. चलिए अब कवर करते हैं लिमिटेशन एक्ट के क्वेश्चंस. लिमिटेशन एक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन. अंडर लिमिटेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी काउंटेड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कि कौन सा टाइम जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन में काउंट नहीं होगा. तो इसका आंसर है टाइम टेकन बाय एडवोकेट टू प्रिपेयर मेमोरेंडम ऑफ अपील. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 31. A fresh period of limitation shall be computed from the time when the acknowledgement was signed before the expiration of prescribed period. जो prescribed period था उससे पहले अगर sign हो जाता है तो. ठीक है, next question, question number 32. Where a court can grant extension of period of limitation under section 5 on the ground of sufficient cause in case of an application under order 21 ऑफ दी सीपीसी, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? नो. ठीक है, तो सेक्शन 5 में बता रखे हैं कि मेनली कौन से ग्राउंड जो है सफिशियंट कोज में आएंगे. अगर आप लिमिटेशन पे भी एक रिवीजन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट है एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के क्वेश्चंस. ठीक है, तो हम इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If after the tenant has delivered possession or on before the date specified in order under clause G or clause H of the subsection 1 of section 12 of MP Accommodation Control Act and landlord fails to commence the work of repairs or building or rebuilding within dash of the specified date on an application made to it, court may order landlord to place the tenant in occupation of the accommodation or part thereof. कितना टाइम होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 1 month का. ठीक है, 1 month के अंदर अंदर करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. अंडर विच सेक्शन ऑफ द एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 इज प्रोवाइडेड फॉर द फिक्सेशन ऑफ प्रोविजनल रेंट. प्रोविजनल रेंट की बात कौन से सेक्शन में करी गई? तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में. देखिए लिमिटेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रेम है और कुछ जो है इनडायरेक्ट है. बट अगर आप देखें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने आपको बताया नॉर्मली वही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे. एक तो वो जो एग्जाम्पल वाले हैं, एक इन्विटेशन टू ऑफर वाला है, तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन उसमें रिपीट हो रहे हैं. सीपीसी में डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं कि इस ऑर्डर के इस रूल में क्या बात करी गई है, ये सेक्शन किसकी बात करता है, नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चंस. एमपी अकोमोडेशन में थोड़ा सा आपसे घुमा के पूछा है, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था काफ़ी बड़ा था, देख के घबराने जैसा क्वेश्चन था. बट घबराएं नहीं, आराम से पढ़े क्वेश्चन को, समझें और आपको आंसर आराम से याद आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If a
landlord receive any rent in excess of the standard rent as fixed by the rent control authority, he shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to कितने time के लिए जो है उसको imprisonment होगा अगर वो ज़्यादा rent लेता है तो 3 month का होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर, इसमें से कौन सा करेक्ट है. द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट एनी अकोमोडेशन फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट. इसमें से जो सही आंसर है, नो जो इसमें से गलत है, सॉरी, देखिए क्वेश्चन को मैंने भी गलत पढ़ लिया, आप भी इसीलिए ध्यान से पढ़िए. विच वन इज नॉट द करेक्ट आंसर, कौन सा जो है करेक्ट नहीं है, तो कौन सा गलत है, तो वो है विच इज ओन्ड बाय एनी कल्चरल इंस्टीट्यूट. ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक नॉट भी आ जाएगा तो आंसर पूरा चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. नो सूट फॉर द एविकेशन ऑफ अ टीनेंट शैल बी मेंटेनेबल ऑन द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 12(1)(e) और सेक्शन 12(1)(f) अनलेस अ पीरियड ऑफ, कितना टाइम होना चाहिए, हैज इलैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो इसका आंसर है 1 ईयर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम एमपी लैंड रेवेन्यू कोर्ट के क्वेश्चंस. विच रेवेन्यू ऑफिसर इज कॉम्पिटेंट टू टेक एक्शन अंडर सेक्शन 248-250 ऑफ MPLRC, कौन सा जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो 248 और 250 के अंदर जो है एक्शन ले सकता है, तो वो है तहसीलदार रेवेन्यू. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अंडर MPLRC कोड MPLRC व्हाट राइट्स ऑफ विलेज इंटर्ड इन वाजिब उल अर्ज रिकॉर्ड, ये किस में आएगा, तो ऑल ऑफ दिस, ओनली द राइट टू इरीगेशन, ओनली राइट वे ऑफ राइट ऑफ वे और ओनली अदर इजमेंट, ये तीनों आएंगे ऑल ऑफ दिस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, अंडर सेक्शन 113 ऑफ MPLRC क्लेरिकल एरर्स विच हैव बीन मेड इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट मे एट एनी टाइम बी करेक्टेड बाय द, कौन करेक्ट कर सकते हैं, तो सब डिविजनल ऑफिसर जो है SDO वो जो है इस चीज को करेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 ऑफ द MPLRC वेयर अ डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट अंडर सब सेक्शन 1 सच डिस्प्यूट शैल बी डिसाइडेड बाय, कौन डिसाइड करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. ये मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है किसी इंसान के बीच में और कोई अदर पार्टी या अदर मतलब गवर्नमेंट है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट ही सॉल्व करेगी, मैंने जो वीडियो बना रखा है उसमें बता रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 42, अकॉर्डिंग टू MPLRC विच इज़ नॉट रेवेन्यू ऑफिसर, इनमें से कौन से जो है रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है, तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर में नहीं आते. रेवेन्यू ऑफिसर की पूरी लिस्ट है सेक्शन 3 और 4 समथिंग में, पूरी लिस्ट है कि कौन कौन से जो है रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इंडियन एविडेंस एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इंडियन एविडेंस एक्ट के अपन क्वेश्चन देखते हैं. अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, कौन से जो है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में नहीं आएंगे, तो इसका आंसर है कम्युनिकेशन मेड बाय विटनेस हु इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, जो बोल नहीं सकते हैं वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं वो जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 44, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिंसिपल ऑफ रेस गेस्टी इज इनरिच्ड, देखिए कौन सा सेक्शन जो है रेस गेस्टी की बात करता है, तो वो है सेक्शन 6. ठीक है, रेस जुडिकाटा जो है वो CPC में है, यहाँ पे रेस गेस्टी है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 45, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 विच इज़ नॉट अ प्राइमरी एविडेंस, कौन सा जो है प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा, डॉक्यूमेंट कॉपीज ऑफ कॉमन ओरिजिनल, देखिए कॉपीज हो जाती है तो वो प्राइमरी एविडेंस में नहीं आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 46, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ए एग्रीज एब्सोल्युटली इन राइटिंग टू पे बी ₹1000 ऑन दी 1st March 2010. The fact that at the same time an oral agreement was made that the money should not be paid till the 31st March cannot be proved. B. A sells B a horse and verbally warrant him sound. A gives B a paper in these words, bought of A a horse for ₹500. B may prove the verbal warranty.
क्या ए करेक्ट है, बी ए इनकरेक्ट, बी करेक्ट, बी इनकरेक्ट, ए करेक्ट, बोथ करेक्ट और बोथ इनकरेक्ट। तो इसका आंसर है बोथ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अंडर सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट विटनेस इज, क्या वो माना जाएगा, इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन, कौन से सेक्शन में जो है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स की बात करी गई है। तो इसका आंसर है 85A और 65B जो है, 65B से भी पिछली बार क्वेश्चन था, वो उसके अंदर जो इलस्ट्रेशन है 65B के अंदर, उसमें से क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। तो आप अच्छे से देखिए ये जो सेक्शंस है, ये आपको मेन हेडिंग भी याद रहेगी तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा ही आता है। ठीक है, अ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज एडमिसेबल इन एविडेंस, क्या वो एडमिसेबल होगा। यस, इवन व्हेन इट इज मेड टू अ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ए इज चार्ज विद ट्रेवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट अ टिकट, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड अ टिकट इज ओन, किसके ऊपर होगा, एक्यूज्ड के ऊपर। नॉर्मल सी बात है, अपन को ही प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास टिकट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द स्टेटमेंट ऑफ हॉस्टाइल विटनेस, हॉस्टाइल विटनेस का क्या होगा, तो कैन बी एक्टेड अपॉन, जैसा सही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इंडियन एविडेंस, अंडर एविडेंस एक्ट कन्फेशन ऑफ वन एक्यूज्ड इज एडमिसेबल इन एविडेंस अगेंस्ट को एक्यूज्ड इफ दे आर टायर्ड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस, अगर उन्हें सेम ऑफेंस किया है साथ में तो। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब करते हैं इंडियन पैनल कोड के क्वेश्चंस को कवर। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखें अंडर सेक्शन 230 ऑफ आईपीसी 1860 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट और हैज़ नॉट बीन अ कॉइन, कौन सा जो है इसमें से कॉइन नहीं होगा। तो देखिए लम्स ऑफ अनस्टैम्प्ड मेटल यूज्ड एज मनी, जो अनस्टैम्प्ड मेटल है और उसको मनी के जैसे यूज़ करो तो अनस्टैम्प्ड जो होंगे वो मनी नहीं होगी, वो कॉइन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, अंडर आईपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू डिफेमेशन, डिफेमेशन क्या होगा। तो टू मेक एन इम्प्यूटेशन कंसर्निंग अ कंपनी और एन एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सन एज सच, कोई ऐसे अपन को इम्प्यूटेशन लगाना है, गलत तरीके से बोलना है और समूह पे अपन को कोई मतलब ऐसी गलत बात बोलनी है, तो वो जो होगा डिफेमेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, ए विदाउट एनी एक्सक्यूज फायर्स अ लोडेड कैनन इनटू अ क्राउड ऑफ पर्सन एंड किल्स वन ऑफ देम, ऑल्दो ही मे नॉट हैव अ प्री डिटरमाइंड डिजाइन टू किल एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ए कमिटेड ऑफेंस ऑफ, क्या किया है उसने, उसने किया है सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी, मर्डर ही किया है ना, भले कुछ भी हो तुमने जिस भी तरीके से किया हो, पर सेक्शन 300 ऑफ द आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 टू द आईपीसी द ऑफेंस ऑफ गैंग रेप इज पनिशेबल अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन में जो है गैंग रेप जो है अब पनिशेबल होगा 2013 के अमेंडमेंट के बाद, तो है सेक्शन 376D। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, रिमूवल ऑफ ऑर्नामेंट डिसऑनेस्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ द डिसीज्ड पर्सन इज, क्या होगी, एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 404 ऑफ आईपीसी। देखिए आईपीसी में जो मेनली क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं डायरेक्ट है कि ये कौन से सेक्शन में बोला गया है, इस सेक्शन में क्या बोला गया है, मतलब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन से, तो आपको हर एक सेक्शन को लेके एकदम करेक्ट रहेंगे तो आपको आंसर आईपीसी में आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन 511 ऑफ इंडियन पैनल कोड विल अप्लाइज टू, 511 किसका है, तो वो किसका है, अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर इंडियन पैनल कोड विच ऑफ द स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ टू कॉन्स्टिट्यूट अबेंडमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड मस्ट बी कमिटेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन बीज लैंड विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट �ff बीज पोजीशन विदाउट बीज कंसेंट, विच ऑफेंस इज कमिटेड बाय ए,
क्या किया है उसने, रोबरी करी है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, एक्सटोर्शन या थेफ्ट, तो वो थेफ्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोरी करी है उसने। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर इंडियन पेनल कोड अ मैरिड मैन कमिट्स एडल्ट्री इफ ही हैज़ इंटरकोर्स विथ एन अनमैरिड वुमेन, मैरिड वुमेन अदर देन हिज वाइफ, एनी वुमेन एक्सेप्ट हिज वाइफ, अनमैरिड वुमेन विदाउट हर कंसेंट। तो इसमें है मैरिड वुमेन अदर देन हिज वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। ए प्रिपेयर्स अ मार्कशीट विथ एन इंटेंशन टू गेट अ जॉब, देयर बाय ही कमिटेड द ऑफेंस ऑफ, कौन सा ऑफेंस किया उसने, फोर्जरी। अगर आप चीटिंग से कुछ ऐसा साइन या झूठ मूठ के साइन करते हो किसी और की कॉपी करके, तो वो फोर्जरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं सीआरपीसी के क्वेश्चंस। तो 63 क्वेश्चन, अंडर सीआरपीसी द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेबल इन अ समरी ट्रायल, इस समरी ट्रायल में मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट क्या है, 3 months। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, अंडर सी आर पी सी विच इरेग्यूलरिटी विटिलेज प्रोसीडिंग्स एंड शैल बी वॉइड इफ एनी मैजिस्ट्रेट नॉट बींग एम्पावर्ड बाय लॉ डिमांडेड सिक्योरिटी टू कीप द पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, अंडर सी आर पी सी द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी 3 years। क्या, तो इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म एक्सीडिंग 1 year बट नॉट एक्सीडिंग 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता रही हूँ ताकि कम टाइम में जो है आप सारे क्वेश्चंस कवर कर सकें। इन एमपी ऑफेंस अंडर सेक्शन 317 एंड 318 ऑफ आईपीसी इज टेरिबल बाय विच कोर्ट, कौन से कोर्ट के द्वारा ये टेरिबल होगा, तो ये है कोर्ट ऑफ सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंटाइटल टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। ये 2018 में भी आया था। देखिए सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आएगा ही सही। तो कौन नहीं आएगा, वाइफ लिविंग इन एडल्ट्री, मेजर मैरिड डॉटर हु कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी जो है ये सभी को सेक्शन 125 में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। व्हेन कैन अ ट्रायल कोर्ट रिलीज एन एक्यूज्ड ऑन बेल अंडर सेक्शन 389 सबसेक्शन 3 ऑफ द सीआरपीसी आफ्टर कन्विक्शन। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सब सेक्शन में से भी क्वेश्चन फ्रेम हो रहे। व्हेन एक्यूज्ड इज ऑन बेल एंड इम्प्रिजनमेंट इज नॉट एक्सीडिंग 3 years। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, एन एप्लीकेशन फील्ड अंडर सेक्शन 257 ऑफ द सीआरपीसी इज अलाउड सो द एक्यूज्ड विल बी, अगर सेक्शन 257 की जो है अपील जो है अलाउ हो जाती है तो एक्यूज्ड क्या होगा, एक्विटेड, दोष मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, हु कैन विड्रॉ अ केस फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 321 ऑफ सीआरपीसी। 321 में अपन केस कैसे ले सकते हैं, किससे ले सकते हैं, तो कौन ले सकता है, तो वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ अ केस विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट की परमिशन से जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूशन केस ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, कैन अ पर्सन डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 258 ऑफ सीआरपीसी बी ट्राइड अगेंस्ट द सेम ऑफेंस, क्या उसको सेम ऑफेंस के लिए ट्राइड करेंगे, ही कैन बी ट्राइड विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट बाय विच ही वॉज डिस्चार्ज, जिस कोर्ट ने डिस्चार्ज किया था अगर उसकी हाँ है तो उस पर फिर से अपन ट्रायल ले सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीआरपीसी, एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू ग्रांट रिमांड अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कितने टाइम के लिए जो है वो ग्रांट कर सकते हैं रिमांड, तो आंसर है 7 days के लिए। नेक्स्ट देखते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अपन देखते हैं। फर्स्ट, ऑफेंस अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आर ट्राइबल बाय, किसके द्वारा ट्राइबल होंगे, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, ऑफेंस अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आर कौन से होंगे,
ये भी था क्वेश्चन, तो इसका आंसर है नॉन कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, विच सेक्शन प्रोवाइड्स दैट द ऑफर्स अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आर कंपाउंडेबल, कौन सा सेक्शन ये बात बोलता है, तो सेक्शन 147। ठीक है, अब देखिए जो जीके के और इंग्लिश के क्वेश्चन है उसकी एक अलग से सीरीज़ हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको MPCJ 2016 के क्वेश्चन पेपर करवा दिया है, मैंने आपको सारे राइट आंसर बताए हैं और डिस्कस भी अपन ने थोड़े जो ज़रूरी थे वो बताए हैं, और जैसे जो इंपॉर्टेंट थे जैसे सेक्शन 125 ऑफ CRPC कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन हैं वो हर बार आए हैं, नेगोशिएबल में देखा जाए तो ये वाला आया ही है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास वाला, और कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस वाला आया है। तो मतलब कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में भी रिपीट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने रिवीजन नहीं करा है तो हमारी रिवीजन लेक्चर सीरीज़ देखिए, डिटेल में पढ़ना हो तो हमारे वीडियोज़ को प्लीज़ एक्सेस करिए, एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई सब्जेक्ट मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, बाय।